हेलो फ्रेंड्स, आज है 15th of June और आज है विक्रांत का बर्थडे. सो हैप्पी बर्थडे विक्रांत. तो आज है वीक डे तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, बट हाँ, मेरी फ्रेंड प्रीति और मनोज भैया ने और मैंने मिलकर आज छोटी सी उनके लिए एक सरप्राइज़ इवनिंग प्लान करी है. तो अभी बस हम उसी के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पर टाइम हो रहा है कुछ शाम के 8 बजे का. तो बस छोटा सा एक सेलिब्रेशन प्लान किया था. तो इस वीडियो में मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप्स ऐड करने वाली हूँ कि किस तरीके से हमने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, और बस आई होप आपको अच्छी लगेगी. बर्थडे पे क्या किया? पापा का भी फेवरेट है वो. थैंक यू मनोज भैया एंड प्रीति इतना अच्छा सरप्राइज प्लान करने के लिए विक्रांत के बर्थडे पर. वी आर रियली ब्लेस्ड और बहुत अच्छी इवनिंग जाने वाली है अभी. चलो 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 चलो. वेलकम बैक टू माई चैनल. और आज है विक्रांत का बर्थडे 15th of June और अभी हम आए हैं विक्रांत का केक काटने के लिए कुछ इस तरीके के माहौल में और कुछ इस तरीके के व्यू के साथ. तो अभी हम जा रहे हैं उधर केक काटने. और चलो केक काटने ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं. चलिए, कबीर बहुत एक्साइटेड है. Happy birthday, dear Vikram. Happy birthday to you. तो बस इस तरीके से हमने इस सुंदर से व्यू के साथ विक्रांत का जो है बर्थडे केक कट किया, छोटा सा सेलिब्रेशन किया. और केक इतना डिलीशियस था यार. ये रसमलाई केक था जो मनोज भैया स्पेशली बनवा के लेकर आए थे इनके लिए, बहुत ही स्वाद था. और उसके बाद हम लोग सीधा गए डिनर के लिए. और जो भी फोटोग्राफ्स हैं आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी. उमा बाबू आपके बर्थडे पे ये भी आया है. नहीं नहीं बिल्कुल. देखो अभी बच्चे ने, इतने छोटे से बच्चे ने प्रूव कर दिया. आज पापा का जन्मदिन है, आप कुछ नहीं बोलोगे. नहीं कहता आज पापा का जन्मदिन है, पापा कंट्रोल करेंगे. ये रहा हमारा सर्वना भवन. अंकल क्या कह रहे हैं? एक्चुअली हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सर्वना भवन पहुँचे. मतलब वो 10 बजे बंद होता है और हम 9:59 पे उनके गेट पे थे. कुछ भी नहीं था और बस वहाँ पे था प्लेन डोसा. बट गाइस, प्लेन डोसा भी यार हैवी हो सकता है. मैंने कभी नहीं सोचा था, फर्स्ट टाइम खाया वो बहुत हैवी था. और बस उसके बाद हम लोग निकले घर की तरफ और बहुत ही अच्छी इवनिंग हम लोगों ने ये सरप्राइज सेलिब्रेशन स्पेंड किया. तो चलिए आगे मिलते हैं. ये कूलर तो नहीं है ओ भैया. आज कबीर खुश होने वाला है. लेकिन भैया सीरियसली मतलब, और ये इधर दिखाना, शक्ल पलट के जरा मुझे, ये कितनी खराब है. मतलब इन्होंने बोला कि वो हो यार. मनोज अंकल के घर में क्या अच्छा लगा था आपको?
तो मैं एक छोटा सा इसमें यहाँ पे ब्रीफ दे देती हूँ आपको कि एक्चुअली हुआ क्या. मनोज भैया ने बोला कि मैं आपके बर्थडे के लिए जो है बर्थडे गिफ्ट में एक कूलर लेकर आया हूँ क्योंकि समर्स आ रहे हैं. और अचानक क्या हुआ उसी दिन मतलब बर्थडे वाले दिन विक्रांत भी जाके जो है ना रोटेटिंग फ़ैन लेकर आए थे कि समर्स आ रहे हैं यार अब ज़रूरत है ले लेते हैं. तो जब भैया ने बोला कि मैं कूलर लेकर आया हूँ तो हमें लगा ओ तो बट लेकिन ये था कि चलो कोई बात नहीं यूज़फुल चीज़ है इट्स ओके कोई नहीं काम आ जाएगी. तो बट जब भैया ने अपनी डिक्की से कार की डिक्की से जब गिफ्ट निकाला और हमने देखा यार ये कूलर की शेप का तो नहीं है तो उसी पे जो है हम सब चिल्लाए कि यार ये कूलर नहीं है ये कुछ और है. और हम लोग समझ गए थे कि ये एक साउंड बार है और इसी तरीके का यहाँ पे हंसी ठक्का हो रहा था. अगर मैं पापा का सोच के लाता तो फिर मेरे को झाड़ू खरीदना पड़ता. पापा का गिफ्ट तो कोई नहीं गिफ्ट है पापा का गिफ्ट. छड्ड दे राह छड्ड दे नी बिल्लो राह छड्ड दे.